ओम शांति। स्थूल देह के पिंड में मैं चैतन्य हूं। सर से लेकर पांव तक अपनी देह को देखना कैसी उत्तेजना है, शांत आंखों, ए मेरी आंखों शांत हो जा, कान नाक चेहरा दोनों हाथ छाती पांव पेट सब कुछ अनित्य का चिंतन, अनित्य से पार जाने के लिए स्थूल का चिंतन, सूक्ष्म की ओर जाने के लिए अपने जीवन को देख रहा हूं। वो स्थान जहां जन्म हुआ था, आत्मा उस गर्भ में प्रवेश कर रही है। इस संसार में मैं आया लौकिक माँ बाप वो घर वो बचपन के दिन वो पाठशाला वो विद्यार्थी वो मित्र वो टीचर्स वो डीप रूटेड कॉम्प्लेक्सेस जो वहीं तैयार हो गए। वो अज्ञात से भय, और आगे समझ पड़ती गई, संसार का ज्ञान हुआ और विकारों की प्रवेशता भी, और एक दिन भगवान से मिलन हुआ, नवजीवन चालू हुआ। देख रहा हूं वर्तमान में जहां रहता हूं रहती हूं कौन सी आत्माएं हैं जिनके बीच मैं हूं, मानसिक कौन सी लड़ाई लड़ रहा हूं, इस ज्ञान में चलते चलते ज्ञान ही कहीं खो तो नहीं गए। योग लगाते लगाते कहीं एक यांत्रिक क्रिया तो नहीं हो गई, मेरे जीवन की जो प्यास थी जो भिप्सा थी कहां खो गई। मुझे अपने आप को देखना, अपनी गहराइयों को देखना है, किन ऊंचाइयों को मैं छू सकता था, आकाश को पाने की चाह थी, आकाश बनने की इच्छा थी, आंगन तो नहीं बन पड़ा,
बहराया हूं। कहां हूं? ये जंजाल विकारों का, व्यर्थ का, ये अनावश्यक बंधन। मुझे स्वतंत्रता चाहिए, निर्बंधन स्थिति। इस संसार की कोई आत्मा मेरे मार्ग में नहीं आ सकती। इस जीवन की डोर मैंने उस प्रभु से बांधी है। बाकी सारी गांठे, सारे बंधन व्यर्थ है। दिख रहा है मुझको, यह मेरी यात्रा है, ब्रह्मचर्य की यात्रा, भोजन की यात्रा, हिसाब किताब की यात्रा, बीमारियों की यात्रा। कैसी स्थिति थी बीमारियों में? मेरे बोल की यात्रा, मेरे विचारों की यात्रा, भावनाओं की यात्रा, कर्मों की यात्रा, सेवाओं की यात्रा, मेरे अहंकार की यात्रा। मुझे गहराई से देखनी है। ये देखने की प्रक्रिया आज से मैं चालू करता हूं, और रोज देखना है। शायद किसी दिन वो दिख जाए जो अब तक ना दिखा। सबकॉन्शियस माइंड में छिपे हुए विकार, सबकॉन्शियस माइंड में छिपी हुई वो कमजोरियां, वो कॉम्प्लेक्सेस, वो कंफ्यूजन। लेट मी एक्सप्लोर। शरीर को ऐसे ही रखते हुए आंख खोलेंगे। I'm shunting.